मुझे अरे रोका नहीं है तो ट्रस्ट किसने बनाया है बताइए? ट्रस्ट जो बना है फैसले के बाद से राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, तो ट्रस्ट में क्या किसने रोका, किसने रोका एससी एसटी ओबीसी को उसमें जाने से, ये बता दीजिए। पुजारी जो जितने भी लोग वहां सेलेक्ट हुए हैं उसमें से कितने एससी एसटी ओबीसी को सेलेक्ट किया गया है या उनको किसने रोक दिया है कि एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं बनेंगे, वो बता दीजिए आप लोग। डिवाइड आप कर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लड़ाई जो हुई थी राम मंदिर की उसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं गए थे लड़ाई करने? हाँ सर, मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि जब ये क्रांति, बाबा साहब भी क्रांति कर रहे थे तब भी सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने ही सिर्फ क्रांति, ये नहीं, उनके साथ बहुत सारे बहुजन ऐसे थे जो उनका साथ देकर उनको आगे तक, उन्होंने उनके साथ देकर उनको ये तक बताया कि बाबा साहब आप संविधान लिख रहे हो तो उसमें ये चीजें भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी वहां तक, मगर कमजोरी वहां पे आ जाती है कि जहां पर फिर मैं कहना तो नहीं चाहता, मंदिर की लड़ाई जब शुरू हो जाती है तो आंखों पर पट्टी बन जाती है सारे लोगों पर, वो सोचते हैं कि वहां पे देखें, वहां पे भरद्वाज देखें, वहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बाबा साहब ने मूल जो समस्या पकड़ ली ना कि एक्चुअली में हम लोगों को किसी भी धर्म में जाएंगे तो हम सेकेंडरी बन के रहेंगे, ये बात जो उन्होंने पकड़ ली कि स्वाभिमान तभी आएगा जब अपना हो, ये बात बाकी सब लोग में से कुछ लोग किए हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया था कि वो उसी समय 1800 कुछ में ही वो भी इस बात को पकड़ लिए थे, तो जो लोग कुछ लोग पकड़ लिए थे, जो नहीं पकड़ पाए इस कारण से ही समाज जो है इतना आमूलचूल परिवर्तन जो चाहिए वो नहीं दिखता है, वो परिवर्तन तभी दिखता है जब बाबा साहब के पाथ पर लोग चलेंगे, ये बात है। ठीक है भारद्वाज जी, ओके। देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बच्चे पर ना बाप का प्रभाव पड़ता है, अगर वो देखेगा कि मेरा बाप जो है हमेशा दूसरे के सामने झुका रहता है, दूसरे को झुकते ही पंडित जी नमस्ते नमस्ते करते रहता है, तो बच्चे के अंदर ना शुरू से ही कायराना इस तरह की चीजें आएगी, पंडित जी आए हैं ना तो उनको देख के नमस्ते करना है, ऊपर से बाप उसको दो थप्पड़ लगा के बोले पंडित जी पैछू, तो और डरपोक बन जाएगा। यह हम सबको समझाने की जरूरत है कि पूरा बहुजन समाज आज तक यही करते आया है, खुद झुक के चला तो झुक के चलेगा तो बेटा भी झुक के चलेगा, आप उसको गर्व से सीना तान के चलना सिखाइए, हर व्यक्ति को देखिए सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सारी समस्या क्या है ना, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से पुरखों से सीखते हैं, हम लोग का इतिहास क्यों दबाया गया, वो अपना इतिहास खूब गलत से गलत छोटी से छोटी घटना को चौड़ा चौड़ा के काल्पनिक घटना को, परशुराम 17 बार छत्री खत्म कर दिया काल्पनिक घटना पर गर्व कर रहा है, और हम लोगों के अपने पुरखे जो लड़े हैं वो हम लोगों से छीन लिया जाता है। क्यों छीना जाता है? सिर्फ इसीलिए कि ये सब अपने पुरखों का इतिहास जान के इनके अंदर गर्व की अनुभूति ना जाए, ये सब जो है अपना वो गौरवशाली वो ना सोचने लगे कि हम भी गौरवशाली रहे, कौन माई का लाल है जो हमको आंख दिखा देगा, ऐसा ना सोचने लगे। इनको दबा के रखना है ना, नाले साफ करवाना है ना, इस चीज को समझने की जरूरत है आप लोगों को। तो हाँ जी राजेश जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम। हाँ जी जय भीम, आवाज आ रही है आपको? मैं काफी दिनों से आपकी स्ट्रीम ये सुन रहा हूँ। मैं एक यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो उस मतलब कि कल ही काफी अच्छा लोगों ने वहां पे मतलब कि पूजा किया, ये किया, वो क्या मतलब सेलिब्रेट किया, तो मैं भी उसी में शामिल था, तो मुझे उनके साथ मिलके मुझे भी ये सेलिब्रेट करना पड़ा, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था उनके साथ सेलिब्रेट करके। अब माहौल ऐसा है कि जो नहीं चाहता है कि सब चीजों में शामिल हो वो भी शामिल, उसे भी शामिल होना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी ये जैसे मीडिया ने चारों तरफ ऐसा फैला रखा है कि आपको आपके मतलब मानसिक स्थिति को ऐसा चेंज कर रहा है मीडिया कि अंधभक्ति में घुसा जा रहा है हर कोई, और जो जो लोग नहीं जानते हैं अपना इतिहास वो काफी जल्दी इससे इंप्रेस हो जा रहे हैं मीडिया से और अंधभक्ति में पड़े जा रहे हैं। तो कल मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि इन लोगों को किस तरह से समझाऊं कि ये सब चीजें बेकार है, अंधभक्ति में मत पड़ो। फिर मैंने देखा कि अब जब भीड़ ही ऐसी चाल चल रही है तो अब मैं इनके साथ कर क्या सकता हूँ, अब अकेला कहावत है कि अकेला चना भांड तो नहीं फोड़ सकता, तो मुझे भी उनके साथ उन चीजों में शामिल होना पड़ा। तो आप क्या बता सकते हो कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इन चीजों से मैं मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि इन चीजों में शामिल होना, या फिर क्योंकि मैं काफी दिनों से आपका ये स्ट्रीम देख रहा हूँ, लगभग कई सालों से फॉलो भी करता हूँ आपको, काफी चीजें जानी है मैंने, आपसे सीखा है मैंने, और आपके जो भी डिबेट्स मैं सुनता हूँ इनसे काफी मुझे मतलब कि एक तरह का ताकत मिला है। मैं काफी पिछड़े समाज से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने काफी संघर्ष करके एक मतलब अच्छे प्राइवेट कंपनी में मतलब अच्छे पोस्ट पे हूँ, लेकिन
कहीं ना कहीं मुझे लोगों से अपनी जो ये मतलब पिछड़े समाज से मैं आता हूँ उन सब चीजों को मुझे छुपाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या मुझे आप क्या ऐसा मार्गदर्शन करना चाहेंगे मेरा आप? देखें राजेश जी, एक बात को समझिएगा, अगर आपको सुखी रहना है तो अपने अड़ोस पड़ोस पहले सही कर लीजिए। एक जातक कथा आती है जिसमें मेघ के बारे में बताया गया है। मेघ एक व्यक्ति थे, उनका क्या हुआ, उनका समाज जो है राजा टैक्स लेता था तो हर जगह से लेता था, तो वो जिस जगह पे रहते थे उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं, अच्छी रोड नहीं है, गंदी बस्ती कही जाती है। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि उठ के और विपश्यना करना शुरू कर दिया, पंचशील का सिद्धांत मानने लगे। जब पंचशील का सिद्धांत मानने लगे, जब किसी से बात करते थे उसकी बड़ा अच्छे से सुनते थे और बड़ा अच्छे से उसको रिप्लाई करते थे, धीरे धीरे लोगों पर प्रभाव पड़ा कि हाँ यार ये आदमी जो बड़ा अच्छा है यार, बड़ा अच्छे से बोलता है, बड़ा अच्छे से इसकी तहजीब, जहाँ यहाँ पे सारे लोग दारू पी के पड़े रहते हैं, जहाँ पे गंदगी रहती है वहाँ साफ सुथरा करके रहता है, सब चीज ये करके रहता है, बड़ा अलग सा आदमी है ये। अब उनके दोस्त जो है बाकी सब जो है, जब उनकी तारीफें होने लगी तो तारीफ होने लगी तो लोग एग्जाम्पल देने लगे, अगर तुमको बनना है तो उसकी जैसा बनो। जब इस तरह की बातें होने लगी तो कुछ लोग जो है, अब जब प्रेरणा आने लगी तो कुछ लोग वैसा बनने लगे, लोग उससे पजाते थे कि भैया आप हमको बताइए कि हम कैसा बिहेव करें। तो उसने क्या किया, अपने अगल बगल करते करते गांव मोहल्ले सबको जो है सही कर दिया, और वो पूरे गांव मोहल्ले की इतनी अच्छी चर्चा होने लगी कि अब क्या हुआ है, ये पूरी एक जातक कथा है। और फिर जो है राजा से टकराव होता है, उस समय के जो सामंत होते हैं टकराव होता है, इस तरह की पूरी बात वहां के चलते जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको खुश रहना है, आपको सुखी रहना है, तो आपसे जो अगल बगल के जो जुड़े लोग हैं जिनको देख के आपको दुख होता है उन्हीं को बदल दीजिए, अन्यथा वो हमेशा आपकी दिक्कत उन्हीं से है ना, जिससे है उन्हीं को आपको बदलना पड़ेगा, यानी आपको उनके बीच में घुस के उन्हीं को चेंज करना पड़ेगा, ये बात है यहाँ पे। जी राजेश जी, जी ये तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो फॉलोइंग है, मेरे कलीग जो है काफी अच्छा मुझे समझते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वहीं तक अच्छा समझेंगे जहां तक मैं उन मतलब कि जो वो लोग फॉलो करते हैं उनके साथ हाँ मैं हाँ मिलाऊंगा हाँ, और अगर मैं उनके अगेंस्ट जाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरा विरोध करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इनको इनके साथ डिबेट करूंगा, अगर इनको मैं फोर्सफुली समझाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे मतलब कि जो एरिया है, मेरा कंपनी है, इसमें मेरा हो सकता है कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़े मेरे वर्क पे भी। सर एक बात कहें मैं, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ, सर देखें, चूज योर एनिमी वाइजली, ठीक है सर। देखें आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आप काम करिए। हमारे समाज में कुछ एक लोग हैं जो लोगों को जगाने में लगे हुए हैं, उनकी सपोर्ट करिए। देखें हर लड़ाई आपके लिए नहीं बनी हुई, आपको ही जरूरत नहीं है हर, भाई हमने अपने घर भी चलाने हैं, हमने अपनी लड़ाई को आगे भी बढ़ाना है, उसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे वो महीन खेलते हैं आप भी महीन खेलिए ना सर, क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैं ये बातें आइडियलिस्टिक होती हैं कि सबको एक बार चेंज, सर ये मैराथन है, आप धीरे धीरे लगे रहिए। अगर आपको लगता है आपको नहीं बताने की जरूरत है ना तो मत बताइए फॉर द टाइम बींग, डोंट वरी अबाउट इट सर, जस्ट डू योर जॉब, गो होम, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने आसपास देखिए किसी को पढ़ने की जरूरत है उनको पढ़ाइए, वहां तक अपनी लड़ाई रखिए सर। ये अभी हम इतने वो नहीं हुए हैं कि हम हर किसी से पंगा लेते फिरें, क्योंकि हमें इतना कमजोर बना के रखा गया है। जो हमारे लोग लड़ रहे हैं, जो हमारे आप देखिए हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करिए सर। लड़ाई ये लोग लड़ेंगे, इनको हमें मजबूत करना है, ठीक है, हम इनके साथ खड़े। ऐसे भाई मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ बात? नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टू द पॉइंट बोल रहे हैं, बिल्कुल सटीक बात आप बता रहे हैं, ठीक है ना। हर लड़ाई हम ही ने नहीं लड़नी है, लड़ाई लड़ने का तरीके होते हैं, इन्हीं से सीख लीजिए ना सर। मुझे एक बात बताइए राजेश कुमार जी, एक सिंपल सी बात है, लड़ाई राम मंदिर बनाने में सबसे ज्यादा बहुजन रहे आगे, मर गए कट गए है ना, तुम्हारा कौन सा बंदा उन्होंने बिठा दिया उसके ऊपर सर, ठीक है ना, वो बैठेगा वहां पे ब्राह्मण ही बैठेगा सर। सर व्हाई डू यू हैव टू फाइट, है ना, आप अपना काम करिए सर। देखिए मैं हमेशा अपने बहुजनों से कहता हूँ कि दिस इज आर मैराथन, हमें सालों लगने हैं, लेकिन सालों लगने के लिए हमें सालों समझदारी से काम लेना, दिमाग से काम लेना। हाँ जहां कोई गले पड़ेगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें अभी थोड़ा तरीके से रहना। ये महीन खेलते हैं आप तो सिर्फ ईमानदार के लिए, ये तो महीन खेलते हैं, बस मुझे इतनी बात ही करनी।
नहीं बिल्कुल सही कहा है आपने कि अपना इनेमी जो है ना बहुत वाइजली चूज कीजिए, ऐसा इनेमी मत बनाइए जिससे आपको आगे चल के दिक्कत हो। आप क्या करें कि जहां जिस माहौल में रहते हैं आप सबको देखते हैं कौन आपकी बात से बदलेगा नहीं बदलेगा, तो अपना काम आसान कर लीजिए। आपको बिल्कुल सही बात कहा कि हर आदमी समाज सुधार नहीं कर सकता है। आप समाज सुधार का जैसे पांचों उंगली होती है ना, तो कोई लीड करती है कोई सपोर्ट करती है, आप उस तरह से हैंडल कीजिए। जो आपको लगता है कि ज्यादा बोल रहा है ज्यादा उसकी बातें आपको पसंद, उसको आप भिड़ा दीजिए इधर, हम लोग काहे लिए बैठे हुए हैं, उसको इधर लेके आइए। कहिए कि भाई ये बड़ा अच्छा आप बोल रहे हैं यार, वहां सामने वो लोग भी कुछ बैठे हैं उनसे थोड़ा ये बात करिए, मैं आपको मान लूंगा। आप उनको चैलेंज कीजिए ना कि आप उनको सब कह दीजिए, अगर वहां पे आप उनको समझा पाए तो हम आपकी बात को मान लेंगे, उनको इधर को लेके आइए। तो आप अपना जो है मस्त रहिए, और बिल्कुल रॉक्सी भाई ने सही कहा है कि आप जो है अपना काम आसान कीजिए, खुश रहिए, उन लोगों को जो काम कर रहे हैं उनके साथ लेकर आइए, और फिर देखें जो होगा, उनको आंख खुलेगी तो खुलेगी, अब आसान हो जाएगा काम। तो ये चीज है राजेश जी। ओके और सर मैं कहना चाहता था कि हमारे साथियों को क्या करना है, सामने वाले की तरफ अभी नहीं जाना है, मैक्सिमम हमारे लोगों को जागरूक करना है सर। जैसे हमारी तादाद बढ़ेगी तो अपने आप अपना काम होते जाएगा सर। मतलब किसी को भी अपने साथी जो है जनरल वालों के साथ बहस नहीं करनी है, मैक्सिमम हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, साइंस जर्नी सर है, रीजनल वर्ल्ड चैनल है, वहां पे लाना है, उनकी बातें शेयर करनी है। यहाँ तक तो साइंस जर्नी सर के बारे में भी कुछ बोलना पड़े तो बोल दीजिए आप, ये चैनल कैसा है सर, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कहीं पे मैं बात रखता हूँ तो मेरे आपकी जो मैं वीडियोस वगैरह शेयर करता हूँ तो मुझे गालियां भी पड़ती है सर, तो मैं क्या बोलता हूँ, हमने कोई नहीं आता है सर, अरे हमारे पास कहाँ टाइम है, अरे भाई आप भावुक हो रहे हो, आपकी भावना आहत हो रही है, और ये बंदा यहाँ पे बैठे बैठे कुछ भी बोल रहे, ऐसे कैसे बोल सकता है यहाँ पे। तो मैं कभी कभार क्या डिफेंड ऐसे भी खेलता हूँ सर बिहाइंड द सीन, कि आपकी बुराई करूंगा कि यहाँ पे चैनल पे ऐसे बता रहे, तो भी लोग थोड़े बहुत आपके पास आएंगे देखेंगे, ये भी एक सोच रखनी है, हमें सीधा ही नहीं बताना इनको देखो फॉलो करो डायरेक्टली, ऐसा नहीं बोलना है, हमें भी थोड़ी दुर्तता अंदर से बनानी पड़ेगी, बिहाइंड द सीन गेम खेलना पड़ेगा, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और जुड़ेंगे। और हमको लड़ना किसी से नहीं है, मैक्सिमम हमारे लोगों को जागरूक करना है, सबसे पहला काम वही है हमारा। जैसे हमारी तादाद बढ़ेगी अपना काम अपने आप आसान हो जाएगा। आप बोलिएगा सर। नहीं देखें ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी आप किसी भी चीज को ले लीजिए, इवन बुधा जब थे तो पहली बार बुधा ही अकेले फाइट किए ना। आप मुहम्मद को ले, मुहम्मद पहली बार मुहम्मद थे ना, उनका चाचा उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा जीसस को लीजिए, जीसस भी अकेले ही थे ना, फिर बाद में धीरे धीरे 12 लोग हुए थे, सबको पकड़ लिया था, जीसस को सूली पे चढ़ाया। कहीं पे भी आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके अगल बगल आपकी सोच वाले नहीं पैदा होते हैं, आपकी अगर सोच अलग है तो नेचुरल बात है। मैंने एक इतिहास का एग्जाम्पल दिया है कि दुनिया में जिन्होंने बड़ी बड़ी कौमें खड़ी कर ली वो भी शुरू में अकेले थे। तो ये बिल्कुल भी आप मत फील कीजिए कि आपकी विचारधारा के कारण आप अकेले हैं। जो अगल बगल अलग विचारधारा रखते हैं तो उनको सही जगह सही स्थान उनको दिखाइए, ताकि वो अपनी चीजों को वो दूर कर सके और आप फ्री रहें। ठीक है राजेश जी, ओके बहुत शुक्रिया आपका। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ राम जी के मंदिर बनने से तकलीफ हुआ है लगता है बहुत से लोगों को। अच्छा क्यों बना है राम जी का मंदिर? राम जी का मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मीन्स आपने बना तो बनना था तो बन गया ना सर, उसमें जरूरत की क्या? नहीं मतलब जैसे भारत में भी जरूरत है ना, ऐसा आ रहा है कि 80 करोड़ लोगों को शायद 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ बात आई है ना, बहुत सारे लोगों को खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है। तो ऐसे में जितना जो खर्च हुआ है राम मंदिर में, जो इतना बड़ा पैसा जो खर्च हुआ है, वो पैसे की उस पैसा जो खर्च हुआ है, जो इन्वेस्ट हुआ है, उसका फायदा किसको मिलेगा बनने के बाद? अभी जब बन गया तो उस इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा वो जरा बताएंगे आप नेचर? दो वक्त की रोटी की बात आप जो कर रहे हैं सर, मंदिर बनने से पहले क्या 4 दिन 4 रोटी मिल रहे थे क्या? यही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना कि जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो देश का इतना पैसा वहां पे लगा है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले, क्योंकि कोई भी जो देखें कोई भी सामंत है या कोई भी जो बनिया है, जो कहीं भी 1 रुपए भी लगाएगा तो वो 1 रुपए को 100 रुपए बनाने की सोचता है। तो ये जो इतना बड़ा पैसा लगा है इसका फायदा किसको होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। ये पैसा लगाया है जिसने, वो फायदा जो होगा किससे होगा, कहाँ से होगा, कितना होगा, और इसको डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, यही तो मैंने पूछा ना आपने। ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना,
वो बताइए आप सर, किसने कहा इन्वेस्टमेंट हुआ है एक्चुअली? क्या बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो ये बता दीजिए जितने उसमें पुजारी बने हैं उसमें से कितने एससी एसटी, हिंदुओं का बना है ना, तो हिंदू में एससी एसटी ओबीसी जनरल चार वर्ग आता है, तो उसमें एससी एसटी कितने, वही तो पूछ रहा हूँ ना कि हिंदू जो है, हिंदू में एससी एसटी ओबीसी जनरल चारों आते हैं ना, तो उसमें से कितने एससी एसटी ओबीसी जनरल को उसमें प्रतिनिधित्व मिला है, कितने पुजारी बने हैं एससी एसटी के और ओबीसी के, ये बताइए सर। जिसकी जितनी नॉलेज है उसको मिलेगा उतना, मतलब आप ये कहना चाहते हैं देश की जो 85% जनसंख्या है, 90% जो जनसंख्या है एससी एसटी ओबीसी की, उनको नॉलेज ही नहीं है हिंदू धर्म की, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर कौन 85% है, मैं भी हिंदू हूं। तो आप कौन से हिंदू हैं, आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं? नहीं नहीं, किस में आते हैं वो छोड़िए अभी आप, नहीं बता दीजिए ना, आपने देखे भारत में एससी एसटी ओबीसी जनरल चार कैटेगरी बांटी गई है आपके हिंदू की, जो आप हिंदू जिसको कहते हैं, तो उसमें से ये आप तो कह रहे हैं कि ये हिंदू का है, हिंदू चार तरह के हैं, जिसमें से ये देखा गया है, अभी जनसंख्या गणना हुई थी, एक बिहार की जनसंख्या गणना हुई जिसमें ये देखा गया कि जो ओबीसी है वो 63% है, ओबीसी अकेले 63% है, और फिर आपके जो ओबीसी कौन होता है, अरे ओबीसी कौन होता है, आप तो अभी एससी एसटी ओबीसी बता नहीं पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है ओबीसी कौन होता है, आप कहानी गढ़ने लगे यहाँ पे, तो आप सीधी सी एक बात बताइए कि जो अभी यहाँ पे बन रही है एससी एसटी ओबीसी और जनरल जो चार हिंदू की कैटेगरी आप बता रहे हैं, इसमें जो वहाँ के जिनको फायदा होगा, जो उस ट्रस्टी बने हैं, ट्रस्टियों को सारा चीज देख रेख करना है, उसमें से कितने एससी एसटी ओबीसी थे, ये मैंने आपसे पूछा है, वो जरा आप क्लियर कीजिए, तब तो पता चलेगा ना कि ये हिंदुओं का टेंपल है, अन्यथा पता चलेगा कि हिंदू के नाम पर कुछ पार्टिकुलर लोग बना के या पूरा जो है वहां पे अपना गेम खेल रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर हिंदू का है तो सबको अधिकार मिलेगा ना, वो जरा बताइए कितने ट्रस्टी लोग जो है एससी एसटी ओबीसी से है, वो बताइए सर। एसटी किसको बोलते हैं, ओबीसी किसको बोलते हैं, मुझे रियली मुझे इतना कंफर्म नहीं पता है। कितनी क्लास आप पढ़ाई किए हैं, कितनी क्लास आप पढ़ाई किए हैं? नहीं ना, कास्ट की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं, ये बताइए सर। मैं किया हूँ बट मैं मुझे नहीं पता ये सब बातों में। आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? हाँ ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण है, अच्छा ब्राह्मण है, तो आपने एक बात कही कि जिसको नॉलेज होगा उसी को ना, तो आप तो कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मंदिर में सिर्फ पार्टिकुलर एक कास्ट ब्राह्मण है उसी को नॉलेज होती है पुजारी बनने की, बाकी के एससी एसटी ओबीसी वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं? भाई जब कोई भी चीज जहाँ पे केक कटेगा तो सब में ना बटेगा, या केक जो है केक काटने के नाम पे सारे लोगों को बुलाइएगा कि भाई केक लाना है केक लाना है, सब लोग केक ला दिए, कटेगा बटेगा सिर्फ एक 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 दो आदमी के बीच में, बाकी लोग जो है बेवकूफ है जो चुपचाप बैठे रहेंगे, केक जब काटने की बात आ रही है तो सब में कटेगा बटेगा ना, तो भारत के जितने भी एससी एसटी ओबीसी जो है इन लोगों को कितने लोगों को पुजारी बनाया गया, कितने लोगों को ट्रस्टी बनाया गया, ये मेरा सवाल है, ये बताइए सर। आपको रोका किसने है मुझे बताइए? अरे रोका नहीं है तो ट्रस्ट किसने बनाया है बताइए, ट्रस्ट जो बना है फैसले के बाद से राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया, तो ट्रस्ट में क्या किसने रोका, किसने रोका एससी एसटी ओबीसी को उसमें जाने से, ये बता दीजिए। पुजारी जो जितने भी लोग वहां सेलेक्ट हुए हैं उसमें से कितने एससी एसटी ओबीसी को सेलेक्ट किया गया है, या उनको किसने रोक दिया है कि एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं बनेंगे, वो बता दीजिए आप। सर आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं फिर लोगों, डिवाइड आप कर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लड़ाई जो हुई थी राम मंदिर की उसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं गए थे लड़ाई करने, उसमें जो गोली कार सेवक पे जो गोलियां चली वहां पे जो गोली खाए हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण लोग थे। सर जो आप जो मंदिर के अंदर की पंडित की बातें कर रहे हैं, ठीक है मैं भी पंडित हूँ, मुझे भी तो वहां पर नहीं रखा गया ना, मैं भी तो भक्त की तरह ही जाऊंगा ना, मेरे यही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो ठीक है आप ब्राह्मण है आपको नहीं रखा गया है, लेकिन एक बात बताइए कि जो रखा गया है वो ब्राह्मण ही का है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, रखा गया है आप ब्राह्मण है, आप किस आधार पे ब्राह्मण है भाई, यही बता दीजिए आप किस आधार पे ब्राह्मण है। देखिए वो नाम मुझे ब्राह्मण बताते बट मैं सब मुझे ध्यान नहीं है ये सब, ठीक है वो आप पता नहीं कहाँ से क्या क्या वो डिवाइड करने लग गए। अच्छा आप डिवाइड नहीं है, सुन लीजिए ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिवाइड हो गया, एक मिनट जरा रुकिए, ये कह रहे हैं कि डिवाइड हो गया, मतलब जब राम मंदिर की लड़ाई थी तो सारे एससी एसटी ओबीसी जो हैं वो लोग जाके वहां पे लाठियां खा रहे थे, डंडा खा रहे थे, बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे, और जब मंदिर बन गया, जब वहां पे बात आई कि भाई किसको ट्रस्टी बनाया जाए, कौन इसकी देख रेख करेगा, तो वहां पे एससी एसटी ओबीसी गायब हो गए, वहां पे क्या किया गया, फिर वहां पे लाया गया जो इनके सारे ब्राह्मण लोग, फिर इसके बाद से पुजारी कौन बनेगा, तो ब्राह्मण लोग, तो आप इसको हिंदू धर्म क्यों कहते हैं, आप कह दीजिए ना ब्राह्मण धर्म, जहाँ पे पुजारी भी ब्राह्मण ट्रस्टी भी ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों का धर्म क्या है नहीं कहते, क्यों हिंदू जबरदस्ती कह के एससी एसटी ओबीसी को ललचाते हैं, बता दीजिए आप नेचर
क्यों ललचाते हैं फिर? सर जो कैपेबल है, जिसके पास कैपेसिटी है, वो काम करने के लिए उसको ही रखेंगे ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भारत में एससी एसटी ओबीसी जो है वो कैपेबल ही नहीं है? देश की 85% जनसंख्या जो है आपके नजर में अपंग है धर्म के नजरिए से, आप ये कहना चाह रहे हो? वो धार्मिक जो वो पोस्ट होती है आपकी, जो पुजारी बनने की पोस्ट होती है या ट्रस्टी बनने की, उस हिसाब से देश के जो एससी एसटी ओबीसी हैं वो अपंग हैं, कैपेबल ही नहीं है, तब भी आप उनको हिंदू धर्म में रखे हुए हैं? सारे कैपेबिलिटी आपके ब्राह्मणों में ही है, आप ये कहना चाहते हैं? किसने कहा ये? हाँ, सब आप वही कह रहे हैं ना, आप यही दरअसल आप यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। देखें अब एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपका डिवीजन का चेहरा मैं सामने दिखाता हूँ सबको। ये इन्होंने क्या कहा कि हम लोग को डिवाइड कर रहे हैं? दरअसल हटा के बोलूंगा, जब नहीं बोलने दीजिएगा तो हटा के बोलूंगा। मैंने बोल दिया कि एक मिनट रुकिए तो आपको रुका नहीं जा रहा है, एक बार बोल दिया है कि एक मिनट रुकिए तो रुका नहीं जा रहा है, फिर हटा के बोलूंगा अपनी बात तो कंप्लीट करूंगा ना। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। भाई राम मंदिर की लड़ाई में सारे एससी एसटी ओबीसी, भंवर मेघवंशी जी की किताब है, जिस बोलते हैं कि कैसे वो एकदम खुश होकर ट्रेन पर चढ़ के गए थे, मैंने स्ट्रीम कर रखी है, उन्होंने उन पर जुनून सवार था कि राम जी को आजाद कराना है, मुस्लिमों ने ये शब्द उस समय बताया जाता था मुसल्टो, इस तरह के शब्द बताए जाते थे, तो नफरत भरी गई, सब लोग जाके वहां पर लड़े हैं, जेल बिताए हैं, क्या क्या किए हैं, सब चीज उन्होंने लिखा है। अब बताइए सब काम कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी आगे, लेकिन केक ले आए और केक जब काट के खाने की बारी आई तो भैया तुम लोग कैपेबल ही नहीं हो। भीड़ जब जुटानी थी, जब गोली डंडे खाने थे, जब कार सेवक भरने थे, तब एससी एसटी कैपेबल थे। मतलब ये ब्राह्मण का चेहरा आप देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी सिर्फ इस बात के कैपेबल हैं कि इनको भीड़ के तरह हाँकते रहो, लेकिन जहां मलाई की बात आएगी, जहां घर की रोजी रोटी चलाने की बात आएगी, वहां पे वो कैपेबल नहीं है। अरे तो कैपेबल नहीं है तो हिंदू क्यों कह रहे हो? काहे लिए हिंदू कह रहे हो बताइए? आप क्यों एससी एसटी को ओबीसी को हिंदू कह रहे हो जब उनको कैपेबल ही नहीं मान रहे हो तब? हाँ बताइए। सर सुनिए प्लीज, हाँ मेरी बात क्लियरली, मैंने ये नहीं कहा कि दूसरे लोग कैपेबल नहीं, मैं भी तो नहीं हूँ ना सर, इसके लिए मुझे नहीं लिया। नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है ना नेचर महोदय, इससे नहीं मतलब है। आप ब्राह्मण है, आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ है ना, वहां जितने भरे पड़े हैं वो तो ब्राह्मण हैं ही। मैं पूछ रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी में से एक भी, देश की 85% जनसंख्या में से एक भी कैपेबल आपको एससी एसटी ओबीसी नहीं मिला जो वहां पे पुजारी बन सके? और वहां पे देश में जो रिजर्वेशन व्यवस्था है कि भाई एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या 85% है तो कम से कम 49% तो आपको इनको देना ही पड़ेगा, 50% आपको देना ही पड़ेगा, तो उसमें आपको एक भी एससी एसटी ओबीसी कैपेबल नहीं मिला। सारे ब्राह्मण ही कैपेबल हैं आपके हिंदू धर्म के, मतलब एससी एसटी ओबीसी का आपके धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है आज तक। आप ये कह रहे थे उस समय से भाई आपका ब्राह्मण वहां रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसी तरह से एससी एसटी ओबीसी के भी तो रिप्रेजेंटेटिव आपको चूज करने थे, वो क्यों नहीं किया? भेदभाव आप कर रहे हो। जहां मलाई की बात आती है, जहां पे कहीं पे लड़ने की बात आती है, वहां एससी एसटी ओबीसी को आगे कर दोगे, और जब वहां से मलाई लेने की बात आएगी कि वहां पे इन लोगों को भी रोजगार मिल जाए, वहां पे भेदभाव कर दोगे। और कहानी आके आप दूसरे को बता रहे हो कि ये भेदभाव किसके साथ हो रहा है? सर जी देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एक ही मंदिर ही तो नहीं है ना, बहुत सारे काम है बाकी कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि उसको वही करना है अभी पंडित। अच्छा तो पंडित को वही काम क्यों करना है? नाला वाला काम पंडित को लगाओ ना, वो वाला काम एससी एसटी ओबीसी को दो। हमेशा आप ही टॉप पोजीशन लोगे क्या? एससी एसटी ओबीसी को भी तो मिलना चाहिए ना, वो केवल नाला साफ करेंगे? बोल रहे हो और भी काम है, और भी काम क्या होता है भाई? हर काम जब हिंदू है ही, वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। सर बराबर, किसी पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, मैं भी आपकी साइड ही हूं। लेकिन हो रहा है ना भेदभाव, तो हो ही रहा है, आप नहीं समझ रहे। अच्छा हम नहीं समझ रहे, समझाइए जरा, समझाइए हम क्या नहीं समझ रहे, समझाइए। आप ये नहीं, इसलिए नहीं समझ रहे, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली ब्राह्मण नहीं हूँ, आपने बोला इसके लिए हाँ बोल दिया, ठीक है वो छोड़ दीजिए। अरे अब आप फंस गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि अब नहीं है, बोलिए ना अपना बात रखिए ना। तो आप एससी एसटी ओबीसी को क्यों नहीं पुजारी वहां बन पाए हैं? जो पोजीशन है, जब हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति राम की पूजा नहीं कर सकता क्या? पूजा करवा नहीं सकता, केवल ब्राह्मण करेगा, एक अधिकार हो गया है, बता दीजिए आप ही। सर वो एक टाइम फ्रेम होता होगा तभी कुछ होते होंगे, बट अभी ऐसा नहीं, अभी ब्राह्मण भी बहुत होटलों में काम करते हैं, होटलों में साफ सफाई भी करते हैं। सर ये सब डिवाइड मत करिए, मेरा बोलना तो ये है। देखिए सुनिए, कहानी मत सुनाइए हम लोगों को, कहानी मत सुनाइए,
चलिए यहाँ से, कहानी मत सुनिए, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ही। जहाँ हक देने की बात आई, जहाँ पे डंडे खाने की बात थी, वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी आगे चलो, दंगे फसाद करना आगे चलो, और जहाँ पे राम मंदिर के पुजारी बनने की बात आई तो वहाँ पे नहीं बनाएंगे, भेदभाव ई कर रहे हैं आप, पता हम लोग करेंगे, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कहानी सुनाने आए हैं। ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है आप लोगों की। जब आप जो है मलाई का जहां जहां पोस्ट है वहां पे एससी एसटी ओबीसी को छांट दो, और फिर दूसरे से वो कह दे कि भैया हमको काहे नहीं लिए, तो कह दो कि तुम कैपेबल ही नहीं हो, फिर कहो कि तुम लोग जातिवाद कर रहे हो। अरे भाई आप हक ही नहीं दे रहे हो एससी एसटी ओबीसी को, और फिर कह रहे हो कि वही लोग जातिवादी हैं, कहानी गढ़ रहे हो यहाँ पे। चले ऐसे फर्जी काम मत कीजिए। चले यहाँ इंद्रजीत सोनिया है, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी इंद्रजीत जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर बड़ी खुशी आपसे बात करके। सर मैं पहले भी आपसे एक बार बात की थी, तो मैं आपको बताया था कि मेरी शादी जैसे पंजाब से हूं मैं, जट परिवार में हुई है, तो कई लोगों को मैं देख, हाँ जी सर, तो आपको बताया था कि वो बोलते हैं कि जैसे मेरी लव मैरिज हुई है तो वो बोलते थे कि आप ये नहीं अपनी जाति नहीं बताओगे कि मैं चमार हूँ, ऐसा हाल है यहाँ पर। सर तो मैं पंजाब के बारे में बात करना चाहता था कि कई लोगों को लगता है कि पंजाब में जातिवाद नहीं है, सिख धर्म है उसमें जातिवाद नहीं है। सर सबसे ज्यादा मेरा ख्याल जो काम बिहार में और यूपी में इन स्टेटों में ब्राह्मण कर रहे हैं ना, वही काम पंजाब में जाट हैं, जो जिनको जाट भी बोलते हैं इधर हरियाणा में, पंजाब में जाट हैं सर, वो कर रहे हैं। सर अब तक इन्हीं इन्हीं लोगों की सरकार बन रही है यहाँ पर, और सारी लगभग 90% जमीन जो है इनके पास है सर, और जो भी यहाँ पर कानून बनते हैं यहाँ की पंजाब की सरकार जो बनाएगी वो इन्हीं के हिसाब से बनते हैं। पीछे थोड़ा टाइम पहले ना जो एससी लोगों के लिए 300 यूनिट शायद माफ कर दिए थे पंजाब सरकार ने, ये भगवंत मान ने नहीं किए थे, उससे पहले किए थे, तो ये हमें इतने वो देते थे कि तुम्हें तो बिजली माफ है, मगर सर इनकी जो एक मोटर है ना, उसका जो बिजली की मोटर होती है, वो पानी वाली मोटर ट्यूबवेल होता है सर, उनका एक एक मोटर का ही मेरा ख्याल एक मोहल्ले के जितना बिल होता है, वो इनको माफ, पता नहीं 15-16 साल से माफ है सर। और सर आटा दाल सारा कुछ इनको भी मिलता है, मगर हमें क्या साथ में मिलता है, जो कम रेट में मिलता है वो हमें साथ में इनके जो ताने सुनने मिलते हैं कि आपको आटा दाल, जबकि ये खुद ट्रैक्टरों पर लाद लाद के लेकर जाते हैं सर। तो पंजाब में भी बहुत सर जातिवाद है, ऐसी बात नहीं है, और सिख धर्म में भी बहुत जातिवाद है। आप सिख बन जाओगे तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप सिख बन गए, आपकी जात फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको बोलेंगे हाँ जी ये रविदासिया सिख है, वो ये नहीं बोलेंगे कि सिख है ये, बिल्कुल उनके जैसे ही आप कपड़े वो सारे पांच ककार होते हैं, केस रखने हैं, कड़ा पहनना है हाथ में लोहे का, और ये जो कशहरा पहनना है जो कच्चा होता है वो पहनना है, ये पांच ककार होते हैं वो भी पहनेंगे, आप भी पहनेंगे, मगर आपको बोलेंगे ये रविदासिया सिख है। अच्छा दूसरा बन जाएगा कोई, अगर जैसे वाल्मीकि समाज जिसको बोलते हैं उनसे बन जाएगा तो बोलेंगे ये जी मजहबी सिख है, ऐसे सर उनकी जाति नहीं छोड़ेंगे। जबकि जो गुरु गोविंद सिंह की जब लड़ाई चल रही थी तो जो एससी लोग थे वही उनके साथ उनका साथ दिया था सर, जो गुरु गोविंद सिंह जी का, और इन्होंने ये तो बेदावे देकर भाग गए थे सर। रॉक्सी सर को पता होगा, वो बहुत उनकी पकड़ है हिस्ट्री पर पंजाब की, तो ये तो बेदावे देकर भाग गए थे सर, और अभी इनका कब्जा है सर। और एक बात मैं छोटी सी करनी चाहता हूँ कि एक बहुत प्रचार किया जाता है कि हमारे देश में जाति देखकर वोट देना है, देते हैं लोग जाति देखकर वोट देते हैं। अगर जाति देखकर दें वोट तो बहुत अच्छी बात है सर, मैं कहता हूँ। अगर पंजाब में सर 35-40% ऐसी लोग हैं, तो अगर वो जाति देखकर वोट देते होते ना अभी तक, तो किसी ये 15% जाट है, इनकी सर अभी तक सरकार ही ना आई होती। तो सर मैं तो सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जाति देखकर ही वोट दीजिए, बिल्कुल जाति देखकर वोट दीजिए, अपनी सरकार चुनिए, जो बहुजन लोग हैं वो अपनी सरकार चुने, अभी तक तो इनके पीछे घूम रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ। और सर आपका बहुत धन्यवाद, मैं अभी बहुत ही वैसे पहले नास्तिक था, पहले मैं काफी टाइम से 2012 के करीब से, अभी भी वैसे नास्तिक हूँ, मगर मैं बुद्ध धर्म को या बुद्ध भगवान को, जैसे वो आपने बताया था ना कि भगवान उनके लिए क्यों बोला जाता था, तो मैं उनको कोई ऐसे नहीं समझता कि वो कोई अलौकिक शक्ति थी उनमें, मगर मैं उनकी तरफ झुका हूँ और मेरा काफी उनकी तरफ बड़ा है, और मेरा स्वभाव बड़ा चेंज हुआ है। पहले मैं एक मिनट लगाता था लड़ाई करने में किसी से,
मगर अभी जब जब उनको पढ़ रहा हूँ, आपको भी सुन रहा हूँ, तो अब थोड़ा झगड़े को भी किसी से मन नहीं करता, काफी फर्क पड़ा है सर। थैंक यू सर, इतना ही बोलना था। जय भीम सर। ओके ओके, जय भीम जय भीम, बहुत खूबसूरत। ओके चले आगे बढ़ते हैं। देखें, इन्होंने इंद्रजीत जी ने बताया कि कैसे सिखिज्म में जातिवाद है, और ये बहुत सारे लोग बता चुके हैं कि सिखिज्म जो है उसमें जाति, ये वाला आप ये जाति वाले सिख है, ये वाला है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो फिर खत्म हो जाते हैं, वो ब्राह्मणवादी पार्ट टू हो जाएगा फिर, कि क्योंकि जातिवाद तो ब्राह्मणवाद का ही अंश है, और कोई धर्म अगर जातिवाद तब भी मान रहा है तो खत्म ही हो जाएगा फिर। अंकित यहाँ लिखते हैं, सर यूपीएससी कोचिंग वाले बाबा साहब का नाम लेके बहुजन बचाओ को फंसा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कई सारे ऐसे हैं, चंगुल में मत फंसना आप लोग भाई, ठीक है ना, बहेलिया जाल बिछाएगा, वो सुना है ना आपने। डॉलर किंग यहाँ लिखते हैं, एसचे सर मलाई तो बन मक्खन के साथ बेस्ट होता है। हाँ जी बिल्कुल, और थोड़ा सा उसको आग पे सेंक दिया जाता है, फिर आप चाय के साथ चुस्की ले सकते हैं, बहुत बढ़िया।